मध्य प्रदेश के सीहोर में खजूरी पुलिस रिसोर्ट से कांग्रेस सदस्यों को थाने ले गई, जिसके बाद वहां सभी के बयान दर्ज किए गए हैं, फिर उन्हें थाने से बाहर निकलने दिया गया। दरअसल एक अफवाह फैल गई थी कि वार्ड क्रमांक 15 से विजय हुई विजेंद्र उइके की किडनैपिंग की गई है। वहीं कांग्रेस के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में होने का लाभ उठा रही है और उन पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या पे लगी हुई है। हम पांचों जिला पंचायत सदस्य चुने हुए व्यक्ति हैं। हम अपनी मर्जी से, मेरे चारों जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे होटल में रुके हुए थे, पूरी आईडी हमने जमा की थी। उस समय हम पे जाके छापा मारा गया और पुलिस के द्वारा बर्बरता के साथ हमारे को वहाँ से यहाँ थाने लाया गया है। पूरी जनता के विश्वास से जीत के आया हूँ, जनता ने मुझे मत किया, उसके बावजूद भी मेरे पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। बार बार बीजेपी में जाने का लोग बोल रहे हैं। मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं स्वतंत्र रूप से वोटिंग करूंगा। कि ये प्रजातंत्र की हत्या कर रही है सरकार, मेरा तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि चुनाव आयोग से बात करें और नॉमिनेशन की प्रक्रिया करें, चुनाव कराना बंद करें।